हाय फ्रेंड्स, दिस इज श्रिया। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ घर पे 5 प्रोडक्ट्स यूज करके आप कैसे बिल्कुल डेली मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। अगर आप घर पे रहकर भी मेकअप करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, अगर आप कॉलेज गोइंग हो, स्टूडेंट हो, तो भी आप इसे प्रेफर कर सकते हो, और अगर आप ऑफिस गोइंग हो तो भी आप इसे यूज कर सकते हो, क्योंकि ये हार्डली आपके 5 मिनट्स लेगा एंड बहुत 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 ही नेचुरल सा लुक आएगा आपके फेस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो प्रोडक्ट होता है वो हम डेली यूज करते हैं अपनी लाइफ में, जो कि है एक सनस्क्रीन। तो यहाँ पे अगर आपको मेकअप लुक क्रिएट करना है तो प्रेफर कीजिए कि आप टिंटेड सनस्क्रीन का यूज करें। एंड मैं यहाँ पे ये सनस्क्रीन यूज करी हूँ, ये है बाय डॉटन की। एंड ये जो सनस्क्रीन है ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, इसका नेम है डॉटन की स्ट्रॉबेरी ड्यू टिंटेड सनस्क्रीन डेली वेयर SPF 50+ PA++++। इसमें मेरा शेड है पोस्टलिन। इसमें 3 शेड्स आते हैं, ये लाइट स्किन टोन के लिए ये शेड बिल्कुल सूटेबल है। एंड ये प्रोडक्ट मैं सबसे पहले अपने फेस के ऊपर लगाऊंगी। अगर आपके पास टिंटेड सनस्क्रीन नहीं है तो आप लोग बीबी क्रीम का भी यूज कर सकते हैं। अभी देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज्यादा लाइट शेड है, मेरी स्किन के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, पर जो मैंने वहां पे देखे थे शेड्स, उसमें 3 शेड्स थे एंड वहां मेंशन किया गया था जो लाइट स्किन टोन का शेड है उसके लिए एग्जैक्ट यही मैच करता है शेड। एंड जैसे कि आप लोग जानते हो हमें 2-3 फिंगर्स की सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए, ऐसे 2 फिंगर्स या 3 फिंगर्स वाली, तो आप उस अकॉर्डिंग ही इसकी क्वांटिटी लेना। मुझे आइडिया है मैंने कितनी क्वांटिटी ली है अपने फेस के ऊपर एंड आप देख सकते हो बहुत ही इजीली स्किन के अंदर मेल्ट हो रही है, बहुत ही इजीली मर्ज हो गई है स्किन टोन के अंदर, कितना प्यारा लुक आया है। एंड ये मैंने रिसेंटली बाय की है अमेजोन से। एंड अगर आपको इसका लिंक देखना है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। आप देख सकते हो बहुत ही लाइट सा टिंट आया है मेरे फेस के ऊपर, बहुत ही लाइट सी सनस्क्रीन है पर इसकी क्वांटिटी ऐसी है, बहुत ही लाइट सी ये सनस्क्रीन है, मतलब बिल्कुल आपको फील नहीं होगी कि आपने कुछ भी मेकअप के लिए कुछ भी ऐसी चीज अपने फेस के ऊपर अप्लाई भी की है, बहुत ही लाइट सा ये टिंटेड शेड आपके फेस के ऊपर देता है। एंड अब आप देख सकते हो कितने इजीली ये मर्ज भी हो गया मेरी स्किन के अंदर। सो आफ्टर यूजिंग सनस्क्रीन मेरा सेकेंड जो सबसे फेवरेट चीज है वो है काजल। एंड काजल के लिए मैं यहाँ पे फेसिस कैनेडा का यूज कर रही हूँ। आप चाहे कोई भी आपके घर में अवेलेबल काजल हो आप वो यूज कर सकते हैं। सो आफ्टर काजल थर्ड प्रोडक्ट आता है ऐसा जो कि मल्टीपल हम चीजों में यूज कर सकते हैं। सो मल्टीपल यूसेज के लिए मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, वो है लिप एंड चीक टिंट। तो यहाँ पे मैं ये वाला लिप एंड चीक टिंट यूज कर रही हूँ, ये है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का एंड इसका ये कार्डबोर्ड पैकिंग है। इसके ऊपर मैं इसका सिर्फ नेम देखने के लिए इसका ये रखा हुआ है। इसका शेड है कैंडी केन, ये कैंडी केन शेड है, इनसाइड कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट है। बहुत ही नेचुरल सी फिनिश देता है, बहुत नेचुरल, मतलब अगर आप देखो ना ये बहुत प्यारा सा शेड देता है। अभी लगेगा कि ये बहुत ज्यादा है पर जब भी मैं इसे अप्लाई करती हूँ बहुत ही प्यारी सी लुक देता है मेरे पूरे फेस के ऊपर। कितना इजीली ये देखो ये ब्लेंड भी हो जाता है। कितना इजीली ये ब्लेंड भी हो गया मेरे पूरे फेस के ऊपर। एंड अब इसी को ही मैं यूज करूंगी अपने आईलिड्स के ऊपर। एंड सेकेंड आईलिड के ऊपर भी मैं यही लगा रही हूं। अभी आपने देखा होगा मैंने अपने फेस के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्पैक्ट नहीं लगाया। मैं कॉम्पैक्ट हमेशा लास्ट में प्रेफर करती हूँ। उसका रीजन ये है कि जब भी आप कॉम्पैक्ट लगा लेते हो ना
तो ये क्रीमी वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना इजीली आपकी स्किन के अंदर नहीं लग पाते। सो पहले मैं प्रेफर करती हूँ पहले इन चीज़ों को अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लूँ, उसके बाद ही मैं कॉम्पैक्ट लगाना प्रेफर करती हूँ। सो ये दो चीज़ों का काम हो गया। लास्ट चीज़ रहेगी मेरी लिपस्टिक, सो लिपस्टिक भी मैं इसी से लगाऊंगी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने आईलिड्स के ऊपर इसे एज एन आई शेडो यूज किया, चीक्स के ऊपर एज अ ब्लश यूज किया एंड अपनी लिप्स के ऊपर यूज किया एज अ लिपस्टिक। कितना प्यारा सा नेचुरल सा लुक दे रहा है। एंड अब मैं यूज करने वाली हूँ कॉम्पैक्ट का, जो कि मेरा है फोर्थ प्रोडक्ट। एंड मैं यहाँ पे ये मार्स का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छे से मेरी स्किन टोन के साथ मैच हो जाता है एंड मुझे बहुत पसंद है ये वाला कॉम्पैक्ट। मैं थोड़ा सा अपनी आईलिड्स के ऊपर भी ये लगाती हूँ, बहुत अच्छे से नहीं लगाती पर थोड़ा सा लगाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेरे आईलिड्स के ऊपर ना बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस आ जाती है, चाहे मैं कुछ ऊपर लगाऊँ चाहे ना लगाऊँ बहुत जल्दी ऑयलीनेस आ जाती है। तो इसलिए मैं आईलिड्स के ऊपर तो ये ज़रूर प्रेफर करती हूँ लगाना। अभी तो आपको लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल जोकर लग रही हूँ, मैंने अच्छे से इसे ब्लेंड नहीं किया, पर मैं ब्लेंड करने के लिए ना स्पॉन्ज का यूज़ नहीं करती, मैं प्रेफर करती हूँ मेकअप ब्रश का, जो कि है ये पाउडर ब्रश। एंड इससे अच्छे से मैं इस टाइप से रिमूव कर देती हूँ, बहुत ही अच्छे से इफेक्ट देता है मेरे पूरे फेस के ऊपर। तो ये देखो कितना प्यारा सा ग्लो आने लग गया मेरे फेस के ऊपर जस्ट इस कॉम्पैक्ट को यूज करने के बाद। अब मस्कारा के लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का जो मस्कारा है, ये वाला भी मैं डेली यूज के लिए ही प्रेफर करती हूँ। इसका रीजन ये है क्योंकि बहुत ही लाइट से स्ट्रोक्स देता है, आपकी आई लैशेज को बहुत थिक नहीं बना देता लगाने के बाद। एंड सेकेंड थिंग, ये जो है इसमें ना ये आपको कॉम्ब मिल जाती है यहाँ पे, जिससे कि आप इजिली अपने आईब्रोज भी कॉम्ब कर सकते हो। सो मैं मतलब डेली वेयर के लिए ना यही चीज प्रेफर करती हूँ। ये देखो कितने इजीली मेरे आईब्रोज भी डन हो गए एंड अब हम लगाएंगे अपना मस्कारा एंड दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट। और अगर आप डेली वेयर के लिए मस्कारा अप्लाई कर रहे हैं ना तो इस टिप का जरूर ध्यान देना कि जब भी आप मस्कारा लगाओ आप सिर्फ अपर आई लैशेज पर लगाओ, लोअर आई लैश पर बिल्कुल भी मत लगाना क्योंकि वो बहुत ही फेक सा लगता है। अभी देखो मैंने सिर्फ अपर आई लैशेज पर लगाया एंड बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, बहुत ही नेचुरल सा लग रहा है इस टाइम पे ये मस्कारा। सो गाइज, इस वीडियो में आपको मैंने प्रॉपरली बता दिया कि मैंने सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स यूज किए हैं एंड ये इतना प्यारा सा नेचुरल सा लुक क्रिएट किया है जिसे कि आप डेली यूज कर सकते हो, चाहे आप ऑफिस गोइंग हो, चाहे आप कॉलेज गोइंग हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, आप घर में इसे डेली यूज कर सकते हो, इस लुक क्रिएट कर सकते हो। और इसे क्रिएट करना भी बहुत 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 ही सिंपल है, सिर्फ हार्डली आपको 5 मिनट्स का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगने वाला। और जहाँ तक बात आती है इस वीडियो के प्रोडक्ट्स की, इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर टैग कर दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एंड हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए एंड नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपने ये लुक क्रिएट किया या नहीं किया। ओके, बाय बाय।